नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2018 यानी 2018 की भर्ती के बारे में। और यहाँ पे आप सभी के साथ बहुत ही जरूरी जानकारी मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आप सभी को बताने वाला हूँ सेकंड लिस्ट के बारे में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने बार एस्पिरेंट इससे जुड़े हुए हैं वो सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ और आप सभी को पूरी जानकारी यहाँ पे देते हैं। दोस्तों, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका लेके आया। अगर यहाँ पे आप 10 डाउट यहाँ पे अगर पूछते हैं अनअकैडमी के साथ, तो यहाँ पे 15 दिन का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो एप्लीकेबल होगा, जो भी 10th क्लास के यानी CBSE के 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो 3000 लोगों को यहाँ पे फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। तो हो सकता है आप भी उनमें से एक हों, तो फटाफट से जाएँ और जो भी आपके 10 डाउट हैं उन डाउट्स को यहाँ पर पूछें। अब चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वहां से जाके भी आप क्लिक कर सकते हैं। वहां से आपको कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी होंगी, जैसे कि एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करना होगा। तो चलिए आगे आप सभी को बता देते हैं कि किस तरीके से आप यहां पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे एक लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप सभी को अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप सभी को अपना स्टेट चूज़ करना है। स्टेट चूज़ करने के बाद आपको अपनी क्लास चूज़ करनी है, जो भी आपकी क्लास हो उसे चूज़ कर लेना है। और उसके बाद अपनी भाषा, जो भी आपकी भाषा हो, हिंदी इंग्लिश जो भी है, आपको वहाँ पर चूज़ कर लेनी है। फिर नीचे आपको आस्क ए डाउट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप सभी को हमारा जो कूपन कोड है स्टडी फॉर ड्रीम्स उसे यूज़ करना है। उसे यूज़ करने के बाद आप सभी के सामने आस्क डाउट इस तरीके से एक सेक्शन आएगा, उसमें आपको जो भी आपके पास पिक्चर वगैरह पड़ी हो उसे अपलोड करके वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। आप सभी को इंडिया के टॉप एजुकेटर से उसका आंसर मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, आप भी इसका बेनिफिट उठाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पसंद आएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी ईडी कांस्टेबल में लगभग 6000 पदों की संख्या जो है रिक्त रह गई थी। 6000 पदों के लिए कोई भी इन्होंने नियुक्ति नहीं दी थी। और वहीं पे आप सभी को बता दें कि इसी के साथ ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि इस साल और भर्तियों में, अन्य भर्तियों में नियुक्त हो गए होंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि 2018 की भर्ती के 2021 में जाके अगर नियुक्ति मिलेगी तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें कहीं ना कहीं पर नियुक्ति मिल गई होगी और उन्होंने वहाँ पर उसे ज्वाइन कर लिया होगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसके आंकड़े बहुत छोटे नहीं है। यहाँ पे कम से कम अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो आपकी वैकेंसी है लगभग 15000 वैकेंसी यहाँ पे खाली रह सकती हैं। यानी अगर हम बात करें लगभग 60000 में से अगर देखी जाए तो टोटल ओवरऑल जो आपकी वैकेंसी होंगी लगभग 75% वैकेंसी ही फिल हो पाएंगी। बाकी की वैकेंसी जो होंगी लगभग 15000 जो वैकेंसी होंगी, 25% वैकेंसी होंगी वो किसी भी तरीके से फिल नहीं हो सकती। अब ऐसे में स्टेप क्या उठाए जा सकते हैं और फिलहाल की स्थिति क्या है वो यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, और आगे आप क्या कर सकते हैं उसके लिए भी मैं आप सभी को ऑप्शन देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि सभी कैंडिडेट जो हैं अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, और दिल्ली में उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी किया और वहाँ पे जाके धरना वगैरह जो भी वो कर सकते हैं कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया है और काफ़ी लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं जो कि किसी भी माध्यम से अपना कोई भी योगदान नहीं देना चाहते, केवल वो बैठ कर वीडियो देखना चाहते हैं या वीडियो के माध्यम से चाहते हैं कि कैसे भी ना कैसे करके सिर्फ और सिर्फ हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। और उन्हें लगता है कि अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे, अगर होगा तो सबके लिए हो जाएगा, अगर सभी ऐसा सोचेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो पहली बात तो ये है कि सभी लोग जो भी करें यूनिटी के साथ करें। मैं आप सभी को ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोटेस्ट करें या कुछ भी करें, लेकिन मैं आप सभी से इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज्वाइनिंग पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाने होंगे। क्योंकि देखिए, इसका एक सबसे आसान तरीका है वो एक रिट, आप सभी जैसा जानते होंगे रिट जो आपकी होती है, याचिका जो डाली जाती है, वो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट या जो भी आपका स्टेट हाई कोर्ट जो भी लगता हो आप उसमें जाके उसके खिलाफ याचिका डाल सकते हैं, अगर आपको उसमें ऐसा लगता है कि उसमें कुछ भी सही नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2011 से लेकर 2015 तक की सभी भर्तियों में रिट डाली गई, लेकिन अभी तक एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि आप सभी को पता होगा कि 2011 के अलावा किसी भी भर्ती में अभी तक किसी भी कैंडिडेट को कोई भी नियुक्ति नहीं दी गई है। हालांकि 2011 के सभी कैंडिडेट को नियुक्ति नहीं दी गई, मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे उन्हें भी नियुक्ति नहीं दी गई, कुछ ही कैंडिडेट थे जिन्हें नियुक्ति हाथ लग पाई, लेकिन यहाँ पे 2013-15 के जो कैंडिडेट थे उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। जबकि 2015 में भी 7052 पोस्ट खाली रह गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि 2015 में 7052 पोस्ट थी, तो इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अन्य विभागों में नियुक्ति ले ली है। तो लगभग इनकी संख्या जो बढ़कर हो जाती है लगभग 15000 ऐसे कैंडिडेट हैं
इनमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको नियुक्ति नहीं दी गई है, यानी उनका पहले से ही रिजल्ट कम जारी किया गया है, 55-56 हज़ार का कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं पे अगर इसके अलावा अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें कि अपनी जो चॉइस की फोर्स है वो नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो चुका है और वो लोग भी यहाँ पर नहीं आना चाहते, तो इसी की वजह से नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम सभी लोग मिलके एक साथ यूनिटी मिला के और अपनी जो भी रिट वगैरह हो, जो भी आपकी स्टेट वगैरह में जो भी आपका हाई कोर्ट हो आप उसमें जा सकते हैं, और मैक्सिमम लोग ये करें कि आप एक साथ मिलकर 3-4 जो भी रिट हो वो डालें और एक साथ मिलकर जो भी काम हो एक साथ यूनिटी के साथ मिलकर काम करें। क्योंकि आप सभी को एक चीज़ में क्लियर कर देना चाहूँगा कि 2011 से लेकर 2015 तक की स्थिति को देखते हुए अगर आप जिस तरीके से जो पहले काम होता आया है उसी काम को अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप इतना मान लीजिए कि आपको कोई भी ज्वाइनिंग वगैरह या कोई भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, केवल और केवल आप सभी को सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर आपने सही तरीके से और जो भी योजनाबद्ध तरीके से अगर काम किया तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन शर्तें कुछ ऐसी होंगी कि आपको सबसे पहले यूनिटी में आना होगा, जो भी चीज़ें हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से करनी होंगी, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक होती है तो पूरा केस आपका हाथ से निकल जाता है। इसलिए जो भी चीज़ें हों जो भी हों आपको सही तरीके से रखनी होंगी, क्योंकि देखिए अभी पूरा डाटा नहीं आया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी लोगों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है, तो जितने बार जो भी फोर्स के एलोकेशन हुए हैं उन सभी की जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ज्वाइनिंग होने के बाद आरटीआई के जरिए या किसी ना किसी माध्यम से या काउंटर के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि कितने पदों की संख्या खाली है जिन पर और अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं ली है, यानी उनके पास ज्वाइनिंग लेटर तो गए लेकिन उन्होंने वहाँ पे नियुक्ति नहीं ली। तो ऐसे कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप सभी लोग यूनिटी में मिलकर अगर ये काम करेंगे, जो भी रेट वगैरह है वो डालेंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा। हालांकि आप सभी को बता दें कि रेट वाला प्रोसीजर है, कई स्टेट में काफ़ी लोगों ने रेट डाल दिए हैं और काफ़ी लोग जो प्रोटेस्ट वगैरह में बिलीव करते हैं वो जाके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कंटिन्यू इसी तरीके से करते रहें और जो भी जानकारी होगी हमारे माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी। हालांकि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करता कि आप जाके कहीं पर प्रोटेस्ट करें या कुछ भी करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो सिस्टम से हो सकती है वो कहीं और तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपका मतलब मिसयूज़ कर जाते हैं कि आपको मतलब आपको ढाल बना के कुछ और करना चाहते हैं और आपको आगे रखते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी होंगी कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मुझे लगता है आपकी लाइफ से ज़्यादा आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के जो भी आपको सही डिसीजन लगे वो लें, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि आपकी वैकेंसी पे आपको नियुक्ति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। काफ़ी हाईलाइट मुद्दा है, काफ़ी लोगों ने इसे उठाया भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक इस पर चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ फाइनली कि आपके सेकंड मैरिट लिस्ट लगने के चांसेस हैं या नहीं, तो देखिए सेकंड मैरिट लिस्ट लगने के चांसेस अगर हम बात करें तो 50-50% आपके चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा है और काफ़ी लोग इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के काम कर रहे हैं, तो इसलिए 50% चांसेस बनते हैं कि आपकी सेकंड मैरिट लिस्ट आ सकती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि 50% चांसेस क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न आप सभी को पता है कि आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि 50% चांसेस हैं कि आपकी मैरिट लिस्ट या सेकेंड लिस्ट जो भी आपकी होगी वो नहीं लगेगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी लोग यूनिटी में आए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पे ऐड हो सकते हैं, वहां पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यही होते हैं सिर्फ वीडियोस या लिंक वगैरह ही शेयर करते रहते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम किसी मुद्दे को लेकर बात करें सही तरीके से और उस पर काम करें। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज़ आप सभी को कुछ ना कुछ जानकारी दी होगी और आप सभी को कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग यूनिटी के साथ मिलकर एक साथ आएँ और जो भी लोग बैठे हुए हैं वो खड़े होकर अपने हक़ के लिए लड़ सकें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।